हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल के कीबोर्ड पर लगे फ़ोटो को कैसे हटाएं या कैसे डिलीट करें सबसे आसान तरीके से। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग। तो गाइस, ये सभी मोबाइल में होता है, आप चेक कर लेना, आपके फ़ोन में मिल जाएगा। तो आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड नाम की एक सेटिंग मिलेगी, इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में, मैं आपको बता दूँ, एडिशनल सेटिंग नहीं है तो फिर क्या करना है, सेटिंग में आकर ऊपर अगर आप सर्च बॉक्स में क्लिक करके लिखेंगे कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप चेक कर लेना, आपके फ़ोन में होगा, नीचे ऊपर मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देना तो वहीं पर आप आ जाएंगे, देखिए उसी सेटिंग में। और यहाँ पर आने के बाद आपको जी बोर्ड नाम की एक सेटिंग मिल जाएगी, देखिए जी बोर्ड पे क्लिक करते हैं। जी बोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थीम नाम की देखिए एक सेटिंग मिलेगी, थीम पे क्लिक कर देना है। जैसे थीम पे क्लिक करेंगे तो जो फ़ोटो सेट है यहाँ पर शो कर रहा है। फ़ोटो हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए आप इस फ़ोटो पे एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार का आ जाएगा। और यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा। आप देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑटो है, आप चाहें तो यहाँ पर इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर अप्लाई कर देना, इस प्रकार का रहेगा। अगर आप अपने कीबोर्ड को डार्क करना चाहते हैं ब्लैक, तो इस लास्ट वाले पर क्लिक कर देंगे तो डार्क रहेगा। आप जैसा सेट करना चाहते हैं वैसा सेट कर लेना। फिर आपको सिंपली गाइस बैक आना है। बैक आने के बाद चलिए कीबोर्ड को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड को हमने ओपन कर दिया, यहाँ से फ़ोटो हट चुका है। कहीं पर भी आप कीबोर्ड ओपन करेंगे, कीबोर्ड यहाँ से हटा रहेगा, फ़ोटो यहाँ से हटा रहेगा गाइस। और गाइस, दूसरा तरीका भी है फ़ोटो हटाने का। देखिए कीबोर्ड को ओपन करना है, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर कीबोर्ड को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर अगर इस प्रकार का कीबोर्ड ओपन हो तो सबसे पहले देखिए जहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं उसके नीचे एक आइकन है तीर का, इस छोटे से आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेटिंग आ जाती हैं कुछ, टी के ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग पे क्लिक करना है। तो आप वहीं आ जाएंगे उसी सेटिंग पे, थीम पर। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ सही तरीके समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।